हेलो, माय नेम इज नीता और मैं नाटी उर्दू ट्रेनर हूँ। आई होप मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो इट विल बी फाइन। तो टुडे इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी क्लास। इसमें मैं आपको तमाम सैम्पल आंसर्स, हाउ इट शुड बी फॉर द डायलॉग और ऑल द ट्रिक्स, हाउ वी कैन मेक द आंसर सैम्पल फॉर आवर डायलॉग इन द एग्जाम्स। And we also try to explain that what could be the errors जब हम dialogue का sample answer कर रहे होंगे तो क्या errors हम कर सकते हैं। तो I will explain everything। सबसे पहले मैं आपको structure बताऊंगी exam का। There will be two dialogues, दो dialogue होंगे and it is interpretation test, so we don't have to translate each and every word, only we have to convey the meaning. इंटरप्रिटेशन में कभी भी आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी, आपने मीनिंग कन्वे करना है और इसी से आपकी फ्लुएंसी बनेगी। अदरवाइज अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। ओके, सो देयर विल बी टू डायलॉग्स और ईच डायलॉग विल बी अराउंड 300 वर्ड्स, सो इट वॉन्ट बी द 10 to 15 मिनट्स डायलॉग। सो पूरा टेस्ट ही 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। सो यू कैन इमेजिन के एक टॉपिक होगा जिसमें दो लोग ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बात करेंगे और एक बात अगर फर्स्ट पर्सन कर रहा है, मतलब कि मैंने आके डायलॉग स्टार्ट किया है, सो आई जस्ट से हेलो हाउ आर यू, तो ये एक सेगमेंट है, डायलॉग का एक सेगमेंट है। और नेक्स्ट पर्सन इंग्लिश में जवाब दे रहा है कि यस आई एम फाइन हाउ आर यू, तो ये सेकंड सेगमेंट है, ठीक है। तो इस तरह पूरा डायलॉग अराउंड 300 वर्ड्स का होगा, जिसमें कुछ सेगमेंट्स लॉन्ग होंगे और कुछ सेगमेंट्स शॉर्ट होंगे सॉरी। तो हमें नोट्स की प्रिपरेशन करनी है, नोट्स हमें लेने होंगे। उर्दू में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह होता है कि हम उर्दू टू इंग्लिश टू उर्दू हम लोग इजीली कर लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश से हमने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है तो उसे हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम उर्दू में ही इतने ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं कि हमें उस टाइम उनकी मीनिंग याद नहीं रहता। तो आई विल आल्सो टेल यू द ट्रिक्स हाउ टू मैनेज दिस। ओके, सो आई टोल्ड यू दो डायलॉग्स होंगे और ईच डायलॉग अराउंड 300 वर्ड्स का होगा, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा डायलॉग नहीं होगा, एक डायलॉग होगा, उसमें एक ही टॉपिक होगा। टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी कि किन किन टॉपिक से रिलेटेड डायलॉग्स आएंगे, तो आपने उन्हीं के अकॉर्डिंग हम वोकैबुलरी प्रिपेयर करेंगे। वोकैबुलरी लिस्ट मैं आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूंगी एंड हर क्लास में हम सबसे पहले वोकैबुलरी रिवाइज किया करेंगे। यू हैव टू लर्न बिकॉज ये वोकैबुलरी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए सो दैट वी कैन यूटिलाइज इट इन द डायलॉग्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द मार्किंग क्राइटेरिया। टोटल मार्क्स इस टेस्ट के 90 हैं, 90 मार्क्स हैं और ईच डायलॉग हैज 45 मार्क्स ईच। तो 45 मार्क्स फॉर ईच डायलॉग। एंड द पासिंग मार्क्स आर 29 फॉर ईच डायलॉग, मतलब कि मिनिमम हमें एक हर डायलॉग में 29 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। एंड फॉर एग्जाम्पल आपके दोनों डायलॉग्स में 29-29 आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप पास नहीं होंगे बिकॉज ओवरऑल मार्क्स आर 63, बिकॉज 29 + 29 = 58, बट ओवरऑल पासिंग मार्क्स फॉर दिस टेस्ट इज 63। सो वी हैव टू एम दैट वी विल गेट अराउंड 62-63, 62 इफ यू वॉन्ट टू गेट 62-63, सो then each dialogue must have around 32 marks each. अगर आपको ये टेस्ट पास करना है तो keep the figure of 30 in your mind. Never think about like मुझे 29 each में ही पास होना है, तो वो overall marks, जैसे इसके passing marks हैं 63, तो वो नहीं होंगे। The other thing I want to mention here that इनकी deduction marking होती है। Deduction marking मतलब कि जैसे ही मतलब आप उन्होंने आपको 45 मार्क्स दिए हैं, लेकिन अब जैसे ही वो आपका डायलॉग सुनने लगेंगे और वेयर एवर यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, वहां पे आपकी मार्किंग डिडक्शन होती जाएगी, ठीक है। तो
ये डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम है, तो जो जो जहाँ जहाँ मिस्टेक्स करते जाएंगे वहाँ वहाँ मार्किंग मार्क्स कम होते जाएंगे। और अदर थिंग, यहाँ पे कुछ मेजर मिस्टेक्स और माइनर मिस्टेक्स मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। मेजर मिस्टेक्स जो होंगी वो सबसे पहली है एक्यूरेसी, कि आपकी अगर एक्यूरेसी मतलब कि आपने जो सुना है उसी को ही ट्रांसलेट करना है, उसी को ही इंटरप्रेट करना है, तो इट विल बी मोर देन लाइक करेक्शन है कि अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है तो पूरे मार्क्स है, नहीं है तो मार्क्स। सेकेंड थिंग इसमें डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन मीन्स लाइक मिस प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही माइनर, जैसे आपके सुनने में कोई मिस्टेक हो सकती है, जैसे अगर उन्होंने लीगल बोला, इलीगल बोला, आपने लीगल सुन लिया या लीगल था उसको लीगल इलीगल कर दिया, तो ये एक छोटी सी मतलब आपको लगेगी कि अच्छा कानूनी है या गैर कानूनी है, लेकिन आपको पता है कि अगर कोई लॉ है वो ऑस्ट्रेलिया में उसका कानून है, उसको हम कह रहे हैं कि ये कानून नहीं है, तो ये मेजर मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि हमने मीनिंग ही चेंज कर दी, हमने इंफॉर्मेशन ही गलत कन्वे कर दी, सो दिस इज मिस प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये मेजर मिस्टेक होगी आपकी। ओके, थर्ड इज एडिशन। एडिशन मीन्स एडिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक सेगमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेगमेंट डायलॉग में सेगमेंट्स होते हैं, एक सेगमेंट में उसने तीन बातें की हैं, किसी भी बंदे ने आकर बोला है कि अच्छा मैं कल से बीमार था, मेरे घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और मैं सारी रात सो भी नहीं सका, तो वो उसने तीन बातें की हैं इसमें, और अगर आप इसको इंटरप्रेट करते हुए चार बातें कर देंगे या कुछ और अपने पास से ऐड कर देंगे तो वो होगा एडिशन, ठीक है। आई नो कि मीनिंग कन्वे करने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंटेंसेस नहीं ऐड करने, वी कैन ऐड वन और टू वर्ड्स जिससे हमारा मीनिंग कन्वे हो जाए, लेकिन कुछ हमने इसके अलावा ऐड नहीं करना, ये भी हमारी मेजर मिस्टेक में आएगा। ओके, सो पहला मैंने आपको बताई एक्यूरेसी, सेकंड डिस्टॉर्शन, थर्ड एडिशन एंड फोर्थ ओमिशन। इन्फॉर्मेशन इज ऑपोजिट ऑफ एडिशन, कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी, जो कि मोस्टली वेरी कॉमन मिस्टेक मोस्टली स्टूडेंट्स कर देते हैं इसको, क्योंकि नोट्स वो सही से नहीं ले पाते, सो ओमिशन इज द मिसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि मैंने चार बातें करी हैं, एक सेगमेंट में चार बातें हैं और हमने उसको तीन बातों में ही खत्म कर दिया है, क्योंकि और एक बात हमने मिस कर दी, सो दिस इज द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, सो दीज आर आवर मेजर मिस्टेक्स, जिसके ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं, 6 to 7 मार्क्स इसके एकदम से डिडक्ट हो जाते हैं अगर जब भी वो मार्किंग क्राइटेरिया पे आते हैं, कि आपको बताया जैसे डिडक्टिव सिस्टम, डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम, तो -5, -6 इट कुड बी देयर। सो अच्छा, ये हो गए मेजर मिस्टेक्स, अब थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स की भी बात कर लूं। माइनर मिस्टेक्स इस तरह के, अब आप एग्जाम में डायलॉग की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हमें उर्दू से इंग्लिश करते हुए वी आर वेरी गुड, ठीक है, हम कर लेते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम इंग्लिश बोल लेते हैं, हम किसी ना किसी तरह मीनिंग कन्वे कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश से जब उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं इंटरप्रिटेशन, तो हमें वोकैबुलरी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या उस टाइम हमारे दिमाग में, हमें पता होता है हमारे दिमाग में वर्ड क्विकली नहीं आता, सो व्हाट वी हैव टू डू, कि उस टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, ठीक है, तो आपने लास्ट ऑप्शन यही है कि आपने वही इंग्लिश का वर्ड यूज करना है और अपनी फ्लुएंसी को खराब नहीं करना और खुद ही अपने एज अपना आंसर देना है, ठीक है। सो ये माइनर मिस्टेक है, मतलब मिस्टेक इस तरह से बोलूंगी कि इसके कुछ बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन जैसे कि 3, 4, 5 या बहुत ज्यादा अगर आप यूज करेंगे सेम इंग्लिश के वर्ड्स तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और दूसरा आता है लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब आई नो के वी कैन डू ट्रांसलेशन, लेकिन वो इंग्लिश में आपका थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर्स भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर आप पास्ट को प्रेजेंट और प्रेजेंट को पास्ट में जाके इस तरह करेंगे तो वो भी मिस्टेक्स में ही काउंट होगा, और मास वर्ड, तो ये थोड़े ग्रामेटिकल एरर्स को भी कंसीडर किया जा सकता है, जा सकता नहीं जाएगा, तो
वी शुड ऑल्सो कंसिडर, अगर किसी को ग्रामेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जब हम डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं. ओके, सो ये कुछ माइनर मिस्टेक्स थी. आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन हेयर द टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड डायलॉग्स आ सकते हैं एग्जाम में. These dialogues could be related to business, education, employment, financial, health, housing, immigration, legal, social services, insurance. So mostly these are the topics. इनसे ही related हम vocabulary prepare करेंगे क्योंकि डायलॉग्स हम प्रैक्टिस करेंगे और वोकैबुलरी उसमें यूज होगी. फिर उससे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डायलॉग आ जाए, आपके पास एटलीस्ट वोकैबुलरी रेडी होगी. फॉर एग्जांपल डायलॉग आ जाता है आपका रिलेटेड टू हेल्थ, सो आपके माइंड में क्विकली वो सारी वोकैबुलरी प्रिपेयर रहेगी. क्या बातें हो सकती हैं, वो बीमारी हो सकता है, कुछ बीमारियों के नाम भी हो सकते हैं. तो जितनी कॉमन जो बीमारियां होंगी वो वी विल मेक देम प्रिपेयर कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं. सो वोकैबुलरी का ये पार्ट कि कोई भी टॉपिक आ जाए एटलीस्ट आपकी वोकैबुलरी विल बी रेडी. ओके, एंड सबसे अच्छी बात इस टेस्ट में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप रिपीट ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक डायलॉग में एक सेगमेंट, जैसे डायलॉग में एक सेगमेंट आया है आपके पास और कुछ या तो वो इंग्लिश एक्सेंट इस तरह का है या वो बहुत ज्यादा तेजी से बोल रहे थे कि आपने नोट्स क्विकली नहीं ले सके आप. ओके, सो यू हैव द ऑप्शन, यू कैन आस्क देम सॉरी आई वांट यू टू प्लीज रिपीट इट. तो वो आपके लिए वो डायलॉग का सेगमेंट रिपीट कर देंगे. ऑलराइट, सो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के पास कि अगर आपके पास, अगर आप नोट्स नहीं ले सके, अगर आपको लगता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन मिस कर दी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर मिस्टेक में आता है कि अगर आप ओमिशन करें कि मतलब आप डायलॉग्स की प्रॉपरली नोट्स नहीं ले सके, तो यू हैव द ऑप्शन कि आप अपने एग्जामिनर को कह सकते हैं कि प्लीज आप ये सेगमेंट मेरे लिए रिपीट कर दें. सो यू कैन, आप अपने रिप्लेस कर सकते हैं नोट्स, आप दोबारा से के नोट्स ऑलरेडी तो आपने लिए होंगे दो पॉइंट्स, तो अगर मिस भी हो गए या दो और मिस हो गए तो यू कैन क्विकली टेक बैक. सो मैं बात कर रही थी कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो रिपीट ले सकते हैं. इससे यह है कि आप अपने नोट्स ठीक से बना के देन यू कैन डू दैट. ओके, अब आप एक से ज्यादा दफा भी रिपीट ले सकते हैं. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आपने अपनी मेजर इंफॉर्मेशन मिस कर दी है तो आप अगेन उनसे कह सकते हैं कैन यू प्लीज रिपीट इट फॉर मी. लेकिन इसका नेगेटिव वन है. तो ये ऑप्शन हम तब ही यूज करेंगे जब आपने एक मेजर मिस्टेक कर दी है, सॉरी मेजर आपने इंफॉर्मेशन मिस कर दी है. आप नोट्स लेते हुए आपने, अगर लंबा सेगमेंट है तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया या आपको कुछ समझ नहीं आई या आप कंफ्यूज हैं कि आपने कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन मिस किया है या कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन का डिस्टॉर्शन होने का खतरा है. सो ये ऑप्शन हम तब यूज करेंगे. तो एक तो रिपीट, आप एक रिपीट ले सकते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग. नेक्स्ट रिपीट लेंगे तो माइनस वन, फिर नेक्स्ट रिपीट लेंगे फिर माइनस वन, फिर नेक्स्ट रिपीट लेंगे तो माइनस वन. लेकिन ये ऑप्शन आप तभी यूज करें जब आपको लगे कि आपने मेजर इन्फॉर्मेशन मिस किया. तो इट्स बेटर कि आप 5 to 6 मार्क्स डिडक्ट करने के बजाय माइनस वन ले लें. तो ये इसको आप जस्ट तभी यूज करें. ओके, सो ये हो गया माइनस वन क्या बात कर दी मैंने. हाँ, एंड इन ईच डायलॉग, मतलब दोनों डायलॉग्स में आप एक एक दफा रिपीट ले सकते हैं. So this is all about test pattern, test marking criteria, test topics. और जो सबसे important thing इसमें है कि इसमें fluency होनी चाहिए आपकी answer देते वक्त. कुछ आपने pauses ज़्यादा नहीं लेने,
इस तरह की भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब आप आंसर करें तो इट शुड बी लाइक कि आप कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी फ्लुएंसी के साथ आंसर कर सकते हैं, बिकॉज जैसे आपको पता है पीटी की एग्जाम में भी फ्लुएंसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस एग्जाम में भी फ्लुएंसी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के अगर 6 to 7 बैंड्स लाइक 65 वीक इन पीटी, तो दे कैन इजीली डू दिस टेस्ट, क्योंकि इसमें फिर आपको इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन इतना इसका प्रॉब्लम नहीं होता, ना ही इतना ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, लेकिन ये काउंट होती हैं दीज मिस्टेक्स, कि अगर आप कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं ये भी काउंट होती हैं, और पॉजेज लेते हैं, ये सब चीजें वो डिडक्टिव मार्किंग के रूल के थ्रू आपकी माइनस 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 करते रहते हैं। ओके, वन थिंग विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हियर ऑल्सो, यस, फॉर एग्जाम्पल आप अपना आंसर देते हुए आपने कुछ पॉजेस लिए, आपको लगता है कि ये आंसर अगर मैं दोबारा एक दफा बोलूंगा तो मैं बहुत अच्छे से बोल जाऊंगा, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ लंबा सेगमेंट था तो मुझे आंसर करते हुए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज आपने बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी। कहीं एक आध दफा आपको लगे कि मैं इससे बेहतर आंसर कर सकता हूँ, या मैंने मिस्टेक कर दी है, यानी मैं इंफॉर्मेशन मिस कर दी है, तो आप अपने आप को वहीं पे कह सकते हैं, यू कैन स्टॉप योरसेल्फ एंड से सॉरी आई रिपीट, और फिर आप अपना आंसर दोबारा से स्टार्ट करें, मतलब उस सेगमेंट का। तो जो आपने सॉरी से पहले बोला होगा दैट विल बी नॉट कंसिडर, वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और सॉरी के बाद वाले आंसर को कंसिडर करेंगे, लेकिन ये ज्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये ज्यादा करेंगे तो वो जब आपकी मार्किंग गाइड आपको भेजेंगे तो उसमें मेंशन करेंगे कि आपने बहुत ज्यादा सेल्फ करेक्शन दिया। सेल्फ करेक्शन यही है कि सॉरी आई रिपीट, तो ये आपने बहुत ज्यादा एक आध दफा कहीं आप इसको यूज कर सकते हैं, या आपको लगे कि मैंने बहुत ज्यादा पॉजेस लिए हैं, या मैं अगर दोबारा बोलूंगा तो मैं ज्यादा अच्छा बोल सकता हूँ, और या कि मैंने ओ माय गॉड ये वाला पॉइंट मिस कर दिया तो मैं इसको दोबारा कर दूँ क्विकली, तो यू कैन यूज दैट ऑप्शन देयर कि ओके सॉरी आई रिपीट माई सेल्फ, लेकिन ये ज्यादा नहीं करना, इसकी भी मार्किंग नेगेटिव होगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट पैटर्न, अगर हम इसको और कोई क्वेश्चन होता तो मैं मेरे माइंड में आएगा तो आई विल मेंशन, लेकिन अब मैं आपके सामने एक डायलॉग प्ले करूंगी, मैं आपको मेंशन करूंगी ये सेगमेंट है, इसमें कितनी बातें की गई हैं, कैसे इसका आंसर करना इम्पोर्टेंट है, कैसे नोट्स लेने हैं, और नोट टेकिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, वोकैबुलरी कैसे लर्न करनी है, डायलॉग्स की वोकैबुलरी कैसे लर्न करनी है। ओके, और इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डायलॉग। एक सिंपल सा डायलॉग लूंगी, है ये एक डायलॉग मैं प्ले करने लगी हूँ, इमिग्रेशन से रिलेटेड एयरपोर्ट पे इंटरव्यू है।
An airport immigration officer is interviewing a new arrival whose previous trip to Australia was on a working holiday visa. The dialogue begins now. So, ये एयरपोर्ट पे इंटरव्यू हो रहा है. सबसे पहले डायलॉग का टॉपिक बताया जाएगा आपको, जैसे कि इस डायलॉग का बताया गया. तो आपको सबसे पहले टॉपिक जरूर समझ लेना है, फिर आपको पूरा डायलॉग का एक सिनेरियो समझ आ जाएगा कि ये किस चीज से रिलेटेड होगा, किन दो लोगों में आपस में बात होने लगी है और किस मौजू पे बात होने लगी है. ओके, सो लिसन द टॉपिक अगेन. डायलॉग 5, एयरपोर्ट इंटरव्यू. An airport immigration officer is interviewing a new arrival whose previous trip to Australia was on a working holiday visa. The dialogue begins now. Okay, a new arrival है. वो पहले भी working holiday visa पर Australia आ चुका है, लेकिन अब वो दोबारा आया है, तो अब उससे पूछ-पूछ होने लगी. Okay, so this is the topic of the dialogue. इससे मुझे पता चल गया ये immigration से related है. Immigration की vocabulary मेरे mind में आ जाएगी. और एक चीज और आई वांट टू मेंशन है, जो मैं स्ट्रक्चर के दौरान आपको मेंशन करना भूल गई, कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स के नाम और भी कुछ इस तरह के डिपार्टमेंट्स के नाम आप इंग्लिश में ले सकते हैं, मतलब उन पे बहुत ज़्यादा आपको उनके मीनिंग उर्दू में करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, उससे आप ज़रूर कन्फ्यूज होंगे. तो जैसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बोल सकते हैं उसको. लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप सब लोगों को वोकैबुलरी बहुत अच्छे से आती हो, तो ये चीजें ताकि फोकस्ड ना हो. ठीक है, आपने इसको बिल्कुल सिंपल ही रखना है कि जैसे दो लोग बात कर रहे हैं एंड वी नीड टू जस्ट इंटरप्रेट देयर कन्वर्सेशन. ओके, सो मुझे पता है ये डायलॉग एक न्यू अराइवल और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से होने लगा है, तो क्या कन्वर्सेशन होगी? गुड मॉर्निंग मिस्टर अली, यू हैव एनी ऑब्जेक्शंस टू द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस इंटरव्यू? ये एक सेगमेंट है. जैसे उसने बोला गुड मॉर्निंग मिस्टर अली, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन इन रिकॉर्डिंग दिस इंटरव्यू? तो मैंने इसके नोट्स लिए. ठीक है, ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब वर्ड्स इनके हमें करना पड़ेगा ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन. गुड मॉर्निंग को सुबह बखैर बोलते हैं, जैसे गुड आफ्टरनून दोपहर बखैर, गुड नून शाम बखैर, गुड नाइट शब बखैर. तो इस तरह के वर्ड्स की हमें करनी पड़ेगी ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन. ओके, हेलो को हेलो ही बोलेंगे. तो जब मैंने नोट्स लिए तो मुझे पता है कि इस डायलॉग में इसने दो बातें की हैं, गुड मॉर्निंग मिस्टर अली, और उसे पूछा है कि आपको ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? तो ये दो बातें हैं. ठीक है, तो मैंने ये मैंने दो लाइनें लगाई हैं दो पॉइंट्स के साथ, कि उसने दो बातें की हैं तो मुझे दो पॉइंट्स बना के ही ये बातें लिखनी है. ये दिस इज ऑल्सो सो सिंपल, इसलिए इसमें इतना कोई था नहीं. लेकिन आपने जब भी अपने नोट्स लेने हैं तो आपने पॉइंट्स में लेने हैं, मतलब एक बात की क्विकली उसको पहली लाइन में लिखा फिर नीचे लिखा फिर नीचे. कभी भी अपने नोट्स को एक साथ लिखने की कोशिश मत करिएगा, मतलब कि यहाँ एक बात कर दी नेक्स्ट यहाँ लिख दी फिर उसकी अगली भी यहाँ पे ही लिख दी. तो नोट्स हमेशा आप पॉइंट्स में लेंगे, मतलब पहली बात पहली लाइन में, दूसरी दूसरी और तीसरी तीसरी. इससे आपको पता रहेगा कि इस सेगमेंट में उसने कितनी बातें की हैं और मुझे इंटरप्रिटेशन करते हुए उसको इन चीज़ों का ख्याल करना है. ठीक है, उतनी ही बातों को इंटरप्रेट करना है, अदरवाइज एडिशन ओमिशन ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी मेजर डिडक्शन है मार्किंग. ओके, तो मैंने नोट्स लिए गुड मॉर्निंग मिस्टर अली क्विकली और ऑब्जेक्शन एंड रिकॉर्डिंग. तो ये दो वर्ड मैंने लिख लिए. इससे मुझे मेरे दिमाग में ये रहा कि ओके के रिकॉर्डिंग करने पे आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं है. तो इसका सैंपल आंसर होगा
सुबह बखैर मिस्टर अली, क्या आपको इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग करने में कोई एतराज है? इंटरव्यू का वर्ड इंटरव्यू भी बोला मैंने, एंड रिकॉर्डिंग के इसको रिकॉर्ड करने में। तो रिकॉर्डिंग का जैसे मीनिंग होता है कि आपको इसको किसी भी चीज में आपने इसको जैसे मेंशन रेफरेंस रिकॉर्ड करना है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ पे अलाउड है कि आप इंग्लिश का वर्ड यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं? फॉर एग्जाम्पल स्कूल, इसको हम मदरसा बोलते हैं उर्दू में। हॉस्पिटल को अस्पताल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के किसी भी अब पहले किसी गांव से भी अगर कोई ऑस्ट्रेलिया आता है तो उसके लिए आपको इंटरप्रेटर आप रिक्वायर होंगे, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती और आपको एज इंटरप्रेटर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपने आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि कौन सा वर्ड उसके लिए नया हो सकता है जिसकी उसको समझ नहीं आ सकती। ठीक है, तो ट्राई टू बी सो स्पेसिफिक लाइक के अच्छा ये वर्ड इसकी आई नीड टू फाइंड द वर्ड के इसका क्या मीनिंग है। तो हम फिर तो उस हिसाब से हम वर्ड चूज करते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग का वर्ड इट्स सिंपल, सबको समझ आ जाता है, क्योंकि अगर आप इसको बोलेंगे कि ये इंटरव्यू में फोर्स करने के लिए आपको कोई एतराज तो नहीं है, तो मीन्स के मीनिंग कुछ सही से कन्वे नहीं हुआ, कहाँ पे महफूज कर रहे हैं, कैसे महफूज कर रहे हैं, तो इट कुड बी दैट। तो अगर आपने ऐसे बोलना है तो दैट्स गुड, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग का वर्ड भी यूज कर लेंगे तो दैट्स फाइन। तो सुबह बखैर मिस्टर अली, क्या आपको इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग पे कोई एतराज है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। ओके, जैसे आपने सुना था कि हर सेगमेंट के बाद एक बीप होगी, बीप कुड बी 2 to 3 seconds लॉन्ग। उस बीप के दौरान आपने अपने नोट्स को फिनिश करना है क्विकली, और उसके बाद 2-3 seconds का टाइम लेके यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर। ओके, तो इतना टाइम आपके पास होगा, आप क्विकली नोट्स फिनिश करके आप फिर आराम से बोलना स्टार्ट करें। ओके, नेक्स्ट नोट्स लेंगे। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। This interview is to ascertain the purpose and details of your trip to Australia. I'm going to ask you some questions that you are required to answer truthfully. मैं आपके So, okay, next segment is. नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। Sorry, मैंने chose the wrong dialogue. इसमें beep नहीं आई इसके बाद, बट हर सेगमेंट के बाद बीप होगी। ओके, सो इट्स वाज अ वेरी स्मॉल सेगमेंट। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। नो, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। सो आपने कोई नोट्स नहीं लिए, आपने वैसे भी बोल दिया, बट वी हैव टू टेक नोट्स फॉर एवरी सेगमेंट। वी डोंट नो कि कौन सा सेगमेंट लॉन्ग होगा जिसके लिए हमें नोट्स लेने की जरूरत है, कौन सा सेगमेंट शॉर्ट होगा जिससे हमें नोट्स ना भी लें, तो वी कैन डू दैट, बट वी विल ऑलवेज बी रेडी फॉर टेकिंग नोट्स। Now, next segment. This interview is to ascertain the purpose and details of your trip to Australia. I am going to ask you some questions that you are required to answer truthfully. मैं आपके So. I have taken the notes, ascertain the purpose, details of the trip, of course, details of the trip to Australia, and she is going to ask some questions, so I have written ask questions and answer truthfully. So I have taken in 4 lines, his notes, in 4 lines. So you can see, it's so that मुझे पता है कि मैंने अब 4 बातें ही रिपीट करनी है जब मैंने अपना आंसर देना है। ये इंटरव्यू आपके ऑस्ट्रेलिया के सफर के मकसद और तफसीलात के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए है, और मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ जिसका आपको सच्चाई से जवाब देना होगा। तो 4 बातें उसने की, तो मुझे पता है कि उसने 4 बातों का ही जवाब देना था।
ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको किसी बात की समझ नहीं आई, असर्टेन मतलब होता है यकीन दहानी कराना, और ऑस्ट्रेलिया का दौरा, ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का दौरा, या ऑस्ट्रेलिया का सफर, पर्पस मकसद, डिटेल्स तफसीलात. तो शी इज आस्किंग ये इंटरव्यू आपके ऑस्ट्रेलिया के सफर के मकसद और तफसीलात के बारे में मालूमात लेना है. मैं आपसे कुछ सवाल करने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस जिनका आपको ट्रूथफुली जवाब देना है, जिनका आपको सच्चाई के साथ जवाब देना है. ठीक है, सो आई होप ओके. सो फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें किसी बात की समझ नहीं आई, आपने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी, आपको एक्सेंट समझ नहीं आया, सो यू कैन आस्क देम ओके कैन यू प्लीज रिपीट दिस सेगमेंट फॉर मी. सो वो आपके लिए ये सेगमेंट दोबारा रिपीट करेंगे एंड आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं. आई होप इट्स क्लियर हियर. रिपीट लेने वाला ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ. तो इस तरह के सेगमेंट्स के कोई लंबा सेगमेंट है जिसमें आपको किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप उन्हें कह सकते हैं कि प्लीज कैन यू प्लीज रिपीट इट फॉर मी. ये तमाम सवालों का जवाब पूरी सच्चाई से देने के लिए तैयार हूँ. So it was again a short segment. मैं आपके तमाम सवालों का जवाब पूरी सच्चाई से देने के लिए तैयार हूँ. I am ready to answer all your questions. तो इसके लिए हम नोट्स नहीं भी लिए तो we are all good. लेकिन वही बात, हमें नहीं पता कौन सा सेगमेंट छोटा है कौन सा बड़ा है. ओके एक और चीज आई वॉन्ट टू मैंशन है. हम बहुत अर्सा हो गया उर्दू लिखे हुए. सो जब हम उर्दू लिखते हैं तो वी आर नॉट मच गुड इन राइटिंग, क्योंकि हमें अब टेक्सिंग की भी इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि हम मोस्टली उर्दू के वर्ड्स इंग्लिश में लिख रहे होते हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है उर्दू में नोट्स लेना. जब वो उर्दू बोल रहा है तो उर्दू के उर्दू में नोट्स लेना. तो व्हाट दे डू, दे टेक द नोट्स फॉर उर्दू और इंग्लिश, ऑल इन इंग्लिश. फॉर एग्जांपल मैं आपके तमाम सवालों का जवाब पूरी सच्चाई से देने के लिए तैयार हूँ. दे विल राइट इट इन इंग्लिश. के सवालों के जवाब सच्चाई, लाइक जो हम टेक्स्ट में लिखते हैं. ठीक है ओके. और they will do, mostly students यहाँ पे ये mistake करते हैं कि फिर उन्हें याद नहीं रहता कि अब हमने उर्दू में जवाब देना है कि इंग्लिश में, क्योंकि वो उर्दू के नोट्स भी इंग्लिश में लिख रहे होते हैं तो वो उसी चीज़ को ही रिपीट कर देते हैं. मैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ. सो कोई आपको नहीं रोकेगा, वो सुन भी लेंगे आपका ये आंसर पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे इंग्लिश बोलनी थी. ठीक है, तो ऑलवेज अगर आप यहाँ पे यू एंड ई, You mean जब आपको उर्दू बोलनी है, E means के now you have to speak in English. तो it will be a good idea कि आपको ये problem नहीं होगा. Mostly students करते हैं इस तरह की mistakes. तो अगर आप ये करेंगे तो means पूरे segment का आपको zero मिलेगा. Zero means 6, 7, 8 marks से एकदम से आपके कट जाएंगे. तो बाकी dialogue में कोई इतना margin नहीं रह जाएगा जिसकी वजह से आपने पास होना. ठीक है, so I always suggest the students अगर वो इंग्लिश में ही नोट्स लेते हैं सारे तो उन्हें पता नहीं चलता. सो राइट यू एंड ई. अगर आप आपने उर्दू बोलनी है तो यू विल क्विकली राइट यू बिफोर लिसनिंग द सेगमेंट. अब आपने उर्दू में जवाब देना है. Let's listen to the next segment. Okay, let's listen to the next segment. Okay. Please note that under the Migration Act, it is a criminal offense to give false or misleading information. This also includes sharing forged documents. Okay, जो मैंने notes लिए हैं पहले मैं वो आपको बता देती हूँ. Note that उसने बोला था, please note that. माइग्रेशन एक्ट उसने बोला था, क्रिमिनल ऑफेंस बोला था, फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन. सो दीज आर द नोट्स आई हैव टेकन.
एंड फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स आई डिडंट ट्राई कंप्लीटली बट मैंने फोर्ज्ड का FG एंड डॉक्यूमेंट्स का DOC सो नाउ कैन आई कैन अंडरस्टैंड कि ये फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स ठीक है सो इट इज क्रिमिनल ऑफेंस था कि आपने गलत फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं दी ठीक है ये एक बात है माइग्रेशन एक्ट के तहत ये इलीगल है और इसमें फोर्ज डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं सो कुछ इस तरह की बात उसने की है जिसको नाउ आई विल ट्रांसलेट आंसर इज ब्राय मेहरबानी आप ये जान लें कि इमिग्रेशन एक्ट के तहत गलत या गुमराह को मालूमात देना जुर्म है इसमें नकली कागजात या दस्तावेजात शामिल करना फराहम करना भी है सॉरी आई रिपीट ब्राय मेहरबानी जान लें कि इमिग्रेशन एक्ट के तहत गलत या गुमराह को मालूमात देना जुर्म है इसमें नकली कागजात फराहम करना भी शामिल है तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको ट्रांसलेट और इंटरप्रेट करने की कोशिश की तो मैंने कुछ पॉजेस लिए ठीक है और ये मैंने खुद जानबूझ के लिए इससे आप लॉन्ग पॉजेस भी हो सकते हैं कि इमिग्रेशन एक्ट के तहत अगर मैं उसकी भी ट्रांसलेशन करने में जाती या और मैं पॉजेस ले लेती तो इट्स बेटर कि मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया इमिग्रेशन एक्ट ठीक है और देन आई सेड आई रिपीट अब वो आई रिपीट से पहले वाला वो मेरे सारे पॉजेस या जो एक मेरा आंसर था वो सारा वो उसको नहीं लिसन करेंगे और आई रिपीट के बाद जो वो मेरा आंसर था उसको लिसन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मुझे मार्क्स ठीक है सो ये ऑप्शन इस चीज के लिए है कि जब आपको लगे कि हाँ मैं इससे ज्यादा इम्प्रूव्ड आंसर दे सकता हूँ ठीक है लेकिन अगर आप आई रिपीट के बाद भी सेम वैसे ही बोलेंगे उन्हीं पॉजेस के साथ तो वो फिर नेगेटिव मार्किंग में आ जाएगा ठीक है क्योंकि आप इम्प्रूव नहीं कर सकते All right. Okay. तो ये भी एक आई रिपीट का ऑप्शन और रिपीट लेने वाला ऑप्शन ये दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए ड्यूरिंग द डायलॉग ओके नाउ लेट्स लिसन टू द नेक्स्ट सेगमेंट I must also inform you that you may be subject to 10 years in prison and $1,000 fine if you fail to answer truthfully. So now, have you been to Australia before? Okay. So in this dialogue, sorry, segment, he mentioned important information. के कुछ गलत इंफॉर्मेशन देने की सूरत में कुछ सालों की सजा है और कुछ जुर्माना भी है एंड उसके बाद उसने कहा कि अब मैं आपसे सवाल पूछ ठीक है अब मैंने ये इंफॉर्मेशन तो ले ली लेकिन अब मुझे ये नहीं मैं नोट कर सकी कि कितने साल की सजा है और कितना जुर्माना आई हैव टू पे ना तो दिस इज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और ये अगर मैं नहीं बोलूंगी तो ये मेजर डिडक्शन है मार्क्स ज्यादा कटेंगे मुझे पता है इस बात का So what I will do, I will ask her for the examiner of us to tell me, please can you repeat this segment for me? So I will listen to this segment again and then important information I will note. So let's listen to it. It is a criminal offense to give false or misleading information. This also includes sharing forged documents. I must also inform you that you may be subject to 10 years in prison and $1,000 fine if you fail to answer truthfully. So now, have you been to Australia before? Okay. So now I have noted that, okay, 10 years prison hai aur $1,000 is ka jurmana. So, okay, ye cheez agar aapne ek aur note ki ho, कि जो लास्ट सेगमेंट था वो भी इंग्लिश में था और ये सेगमेंट भी इंग्लिश में है इट कुड बी पॉसिबिलिटी एज वेल इन द एग्जाम आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं कि उर्दू जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ई है तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट सेगमेंट अब इंग्लिश में ही आएगा नेक्स्ट सेगमेंट अब उर्दू में ही आएगा
अगर एक दफा सेगमेंट उर्दू में आ गया तो नेक्स्ट फिर उर्दू में हो सकता है, एक दफा इंग्लिश में आ गया तो नेक्स्ट इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, मोस्टली इंग्लिश उर्दू ही होता है या उर्दू इंग्लिश, और ये भी नहीं कोई कंफर्म कि स्टार्टिंग उर्दू से होगी या स्टार्टिंग इंग्लिश से होगी, तो ये तो सुनने पे ही है। ठीक है, तो जैसे उसने बोला मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि आपको सच्चाई में कि अगर आपने सच्चाई से जवाब ना दिए तो आपको 10 साल की कैद और $1,000 जुर्माना हो सकता है। अब ये बताइए कि आप पहले भी ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं, तो ये बातें उसने की थी कि उसने पहले उसको इन्फॉर्म किया कि 10 years की प्रिजन एंड $1,000 फाइन है, फाइन उर्दू में जुर्माना, प्रिजन कैद, और देन शी आस्क्ड नाउ यू हैव बीन ऑस्ट्रेलिया बिफोर, क्या आप ऑस्ट्रेलिया पहले आ चुके हैं। ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि इस तरह की अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए तो वी कैन टेक रिपीट, बल्कि रिपीट लेना ही है यहाँ पे ये ऑप्शन। ओके, समटाइम्स स्टूडेंट्स भूल जाते हैं रिपीट का ऑप्शन भी उनके पास, एंड दे जस्ट ट्राई टू आंसर वट एवर दे नो, जो भी उनके पास नोट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत मेजर आप मिस्टेक करते हैं। तो ड्यूरिंग द डायलॉग्स आई ऑलवेज मेक द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस इट, कि जब भी उन्हें कोई चीज़ समझ ना आए या कुछ उन्हें नोट्स में प्रॉब्लम हो, आई इनकरेज देम कि अच्छा आपने फिर रिपीट क्यों नहीं लिया, मतलब कि मैं उनको मेक देम हैबिचुअल कि आपने रिपीट लेना है, ये दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, दैट्स द बेस्ट आई विल से दैट इस डायलॉग में, मतलब इस टेस्ट में कोई इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता कि अगर आपने एक चीज़ नोट नहीं की तो वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि प्लीज़ आप इसको दोबारा से सुन लें और फिर अपना आंसर दें। ओके, वोकैबुलरी मैं स्टूडेंट्स को मोस्टली प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन एक जनरल वोकैबुलरी है जो डायलॉग्स के लिए है, वो पहले मैं स्टूडेंट्स को इसलिए प्रिपेयर कराती हूँ ताकि वो वोकैबुलरी वो याद कर लें, तो जब हम क्लास में डायलॉग्स करें तो वो यूटिलाइज करें उस वोकैबुलरी को, उन्हें पता हो कि ये वर्ड हमने पढ़ा हुआ है और इसका क्या मीनिंग है, बजाय इसके कि वो नए सिरे से मीनिंग वो उसको करें और इंग्लिश के वर्ड मोस्टली यूज कर करके वो उसकी ट्रांसलेशन करें। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, हम नेक्स्ट सेगमेंट सुनते हैं। पिछले साल मैंने एक वर्किंग हॉलीडे वीजा हासिल किया था। ऑस्ट्रेलिया में 12 महीने रुकने के बाद मैं एक मुख्तसर अरसे के लिए अपने वालिदैन से मिलने वापस गया था। तो जो नोट्स मैंने लिए उसमें यह है कि वो पिछले साल वर्किंग हॉलीडे वीजे पे आया था और 12 महीने रुकने के बाद, मींस के एक साल रहने के बाद, वो मुख्तसर अरसे के लिए अपने वालिदैन से मिलने गया। तो जो मैंने लिख लिया 12 महीने रुकने के बाद, मुख्तसर अरसे के लिए, वालिदैन के बाद। ओके, लास्ट ईयर आई रिसीव्ड अ वर्किंग हॉलीडे वीजा, आफ्टर स्टेइंग 12 मंथ्स इन ऑस्ट्रेलिया आई वेंट बैक टू सी माई पेरेंट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। दिस इज जस्ट अ सैंपल आंसर, आप ही मतलब कुछ भी मीनिंग कन्वे करने के लिए आप इस तरह का जवाब दे सकते हैं। ओके, तो उसने ये बोला और अब उसने ही वर्किंग हॉलीडे वीजा इंग्लिश उर्दू में बोल रहा है तो उसने ये इंग्लिश का वर्ड यूज किया, तो मीन्स के इस तरह के वर्ड्स हम इंग्लिश उर्दू में यूज कर सकते हैं इस तरह इंग्लिश के वर्ड। ठीक है, जैसे इमिग्रेशन एक्ट, वर्किंग हॉलीडे वीजा। अब इमिग्रेशन एक्ट हिजरत के कानून के तहत तो मुझे लगता है कुछ कम ही पाकिस्तानियों को पता होगा, क्योंकि मोस्टली द वर्ड्स इमिग्रेशन ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, तो जस्ट आई वांट टू कन्वे दैट कि हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। ओके, टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारा एम है कि हम मैक्सिमम जितनी वोकैबुलरी हम उसे लर्न कर सकें, उसे फिंगर टिप्स पे रख सकें, उसे मेंटली के वो जब जैसे वर्ड आए हम क्विकली उसका आंसर कर सकें, ये हमारा एम है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ठीक है, देन इन केस के एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड आ जाता है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट जैसे चीज का नेम आ जाता है जिसका नहीं पता, सो देयर इज नो ऑप्शन कि हमारे पास सोचने का टाइम नहीं, कोई हेल्पिंग नहीं है, तो फिर वी हैव द ओनली ऑप्शन कि हम उसी वर्ड को इंग्लिश में बोल के अपनी फ्लुएंसी को
उसी का वो लेवल रख के सैम्पल आंसर एक अच्छा आंसर दे सके। ठीक है, तो ये हो गया ये सेगमेंट जी। मैं पिछले साल वर्किंग हॉलीडे वीजे में आया था एक बार, और ऑस्ट्रेलिया रहने रुकने के बाद 12 महीने वालदेन से मिलने गया था मिशनरी रखने के लिए। तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, यस लास्ट ईयर आई रिसीव्ड अ वर्किंग हॉलीडे वीजा आफ्टर स्टेइंग 12 मंथ्स इन ऑस्ट्रेलिया। आई वेंट बैक टू सी माय पेरेंट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट, लिसन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। ऑलराइट, सो नाउ टेल मी, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस ट्रिप एंड हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया? तो इसमें उसने चार पॉइंट्स मैंने लिए हैं। ऑलराइट, टेल मी मेन पर्पस ऑफ योर ट्रिप एंड हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। जब वो मैं पॉज करती हूँ तो मेरे माइंड में वो लाइन होती है, तो मैं लास्ट लाइन लिख लेती हूँ। ओके, सो उसने कहा ठीक है, मुझे बताएं कि इस दौरे का असल मकसद क्या है और आपका ऑस्ट्रेलिया में कितना अरसा क्या करने का मंसूबा है। प्लान, मंसूबा, स्टे, क्या मेन पर्पस, असल मकसद, ऑल राइट, ठीक है, तो मुझे बताएं। तो ये नेचुरल है कि हम कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले जैसे ऑल राइट इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, प्लीज का वर्ड ब्राय मेहरबानी ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि प्लीज का वर्ड है तो हमने ब्राय मेहरबानी या मेहरबानी करके ये हमने वर्ड की ट्रांसलेशन करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, आई होप के आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं सर। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया में पहले वर्किंग हॉलीडे वीजा पे ही था, लेकिन तब मुझे ऑस्ट्रेलिया घूमने का मौका नहीं मिला। चूंकि मैं काम करता रहा तो मुझे फुर्सत नहीं मिली। ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग हॉलीडे वीजा पे ही था, ऑस्ट्रेलिया घूमने का मौका नहीं मिला, काम करता रहा और फुर्सत नहीं मिली। काम करता रहा, फुर्सत नहीं मिली, तो एक ही बात ही समझ लें, he was so much indulged in working, so he couldn't find time or तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का वर्ड दो दफा यूज हुआ, जिसे लिखते हुए मुझे थोड़ा सा लगा कि ये वर्ड सिर्फ ऑस्ट्रेलिया AUS लिखे एंड try to be specific कि आपने नोट्स में कितना shortest form of words लिखनी है, पूरे पूरे वर्ड्स नहीं लिखने, ठीक है, or like text. Although I was on working holiday visa in Australia, at that time I couldn't get chance to visit Australia because I kept working and I didn't get free time. So this is the answer how I interpret. Well, he had been in Australia on working holiday visa before, but he didn't get a chance to visit Australia because he just kept on working and didn't get time, any free time. So this is answer. Just make it a simple answer. मतलब एक बात है, उसको ही बस आपने English में interpretation कर दिया है, कोई इसमें rocket science तो है नहीं है। बस ये है कि आपने information miss नहीं करनी, या information miss की है आप repeat ले लें और कुछ अपने पास से add मत करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट हम देंगे। प्लीज गिव मी सम डिटेल्स अबाउट द नेचर ऑफ वर्क यू डिड व्हेन यू वर ऑन द वर्किंग हॉलिडे वीजा। ओके, अब ये ही उसने एक ही बात की है, he asked him some details, nature of work, when you were on working holiday visa. So, ये notes मैंने लिए हैं। ब्राहे मेहरबानी मुझे अपने काम की नौयत की कुछ तफसीलात बताएं जब आप working holiday visa पर थे।
जब आप उस वीजे पे यहाँ पे थे तो कौन सा काम करते रहे, ये भी हो सकता है, क्या काम करते रहे, किस तरह का काम करते रहे, नेचर ऑफ वर्क, काम की नौइयत, डिटेल्स, तफसीलात। तो ये जब वोकैबुलरी हम लर्न करेंगे यू कैन डू इट इजीली, बट आपने मीनिंग भी कन्वे कर दिया, दैट्स आल्सो फाइन। मतलब जब आप वर्किंग हॉलीडे वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में थे तो आप क्या काम करते रहे। जी, पहले 6 महीने मैंने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में बतौर वेटर काम किया, फिर मैंने शहर से दूर फलों के बागों में फल तोड़ने का काम किया। तो जो नोट्स मैंने लिए हैं, 6 महीने आई वर्क एज अ वेटर, आई मीन मोस्टली रेस्टोरेंट्स में वेटर का काम किया, फिर शहर से दूर फलों के बाग में फल तोड़ने का काम किया, ठीक है। यस, फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स आई वर्क एज अ वेटर इन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, देन आई डिड वर्क एज अ फ्रूट पिकर आउटसाइड द सिटी। Or then I worked as a fruit picker far away from the city. So, जो आपने meaning convey करने के लिए आपको easy लगता है वो you can do that. But बातें दोनों ही करनी है। पहले 6 months he worked as a waiter in different restaurants. Then he worked as a fruit picker in fruit farms far away from the city. So that's it. Okay. So, now let's listen to the next segment. Do you understand that as per the conditions of your working holiday visa, you have an opportunity to travel Australia for up to 12 months, but your sole purpose should not be only to find work? Understand? एज पर कंडीशन ऑफ वर्किंग हॉलीडे वीजा, ऑफ कोर्स वर्किंग हॉलीडे वीजा के उसकी बात करी है। अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल 12 months, सोल पर्पस एंड ओनली फाइंड वर्क। सो दीज आर द नोट्स आई हैव टेकन। सो क्या आप जानते हैं कि वर्किंग हॉलीडे वीजा के कानून के तहत आप ऑस्ट्रेलिया में 12 महीने तक घूम फिर सकते हैं, ना कि महज आपका मकसद काम तलाश करना हो। ये आंसर है इसका, जो उसने बोला वर्किंग हॉलीडे वीजा के तहत आप घूम फिर भी सकते हैं 12 महीने। 12 महीने इज इम्पोर्टेंट वर्ड, दे में वो इंक्लूड ही वर्ड्स इस तरह के करते हैं सेगमेंट्स में के वो जस्ट दे वॉन्ट टू जज के स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन को पिक कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स, एड्रेसेस, फोन नंबर्स और जैसे डेट ऑफ बर्थ, ये सब ऐसी इंफॉर्मेशन है, सैलरी कितना वो गेट कर रहा है, कितने महीने का हॉलीडे वीजा था उसका, ये सब इंफॉर्मेशन नंबर्स में जो आएंगी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने मिस या इनको गलत नहीं बताना, ठीक है। तो 12 महीने यू हैव टू मेंशन कि उसने 12 महीने कहा था कि आप 12 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में घूम फिर सकते हैं, ना कि आपका महज मकसद काम तलाश करना हो। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट। मैं जानता हूँ, क्या आपके ख्याल में इतना काम करके मैंने अपने पिछले वीजे की खिलाफ वर्जी की? दैट्स अगेन अ शॉर्ट सेगमेंट। उसने जस्ट कहा कि इतना काम करके क्या मैंने पिछले वीजे की खिलाफ वर्जी की। I know that. Do you think that I violated my visa previous visa conditions by doing that much work? So this is just answer. Small segments tha, uske koi notes utne khas nahi liye, bas pichle visa ki khilaf warzi is important. Okay, so let's listen to the next segment. I can't answer that question at the moment.
I also see that you have a lot of luggage with you considering you are here only for a short term. We need to see what your luggage contains. तो एक बात उसने कही कांट आंसर दिस क्वेश्चन नाउ और यू आर हैविंग सो मच लगेज एंड कंसिडरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम समथिंग शॉर्ट टर्म था एंड वी नीड टू सी व्हाट योर लगेज कंटेन्स ये चार बातें ही उसने मैं भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पास बहुत ज्यादा सामान है हालांकि आप यहाँ एक मुख्तसर मुद्दत के लिए आए हैं हमें देखना होगा कि आपके सामान में क्या है ये इसका आंसर है तो इससे कुछ ऐड एडिशन या ओमिशन नहीं करना बस जो बातें तीन चार उसने कही हैं बस उसी को या हमें देखना है कि आपके सामान में क्या है आपके पास कौन सा सामान है दैट्स इट नेक्स्ट मुझे कोई एतराज नहीं है इनमें ज्यादातर मेरे कपड़े वगैरह और कुछ तहाइफ हैं डायलॉग एतराज कपड़े एंड तहाइफ छोटा सेगमेंट था आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन इट मोस्टली कंटेन्स माय क्लोथ्स एंड फ्यू गिफ्ट्स सो दैट ये इसका आंसर है तो दिस डायलॉग एंड्स हियर सिंपल ऐसे ही डायलॉग होगा ऐसे ही दो लोगों में हमेशा सिर्फ दो लोगों में ही कन्वर्सेशन होगी जिनके आपको ट्रांस इंटरप्रिटेशन करनी है इंग्लिश की उर्दू वाले के लिए उर्दू की इंग्लिश वाले के लिए ठीक है तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द डायलॉग ओके अभी मैंने एक्सप्लेन किया इतना लेकिन आपका एग्जाम मैक्सिमम 15-20 मिनट्स का होगा जिसमें दोनों डायलॉग्स आपके हो जाएंगे ओके हर सेगमेंट के बाद एक वीप होती है जिसके जिसका मतलब है कि आपके पास ये टाइम भी है इसके अलावा भी आप 2-3-4 सेकंड्स लेके आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है आपने अपना आंसर दे दिया ओके जैसे अभी मैं आपका फॉर एग्जांपल आई सेड दैट मैं इस सवाल का भी जवाब नहीं दे सकती मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पास बहुत ज्यादा सामान है हालांकि आप एक मुख्तसर मुद्दत के लिए यहाँ आए हैं हमें देखना होगा कि सामान में क्या है आराम से अपना आंसर दे के जब आप फिनिश कर लेंगे देन आफ्टर 2-3 सेकंड्स आपके लिए नेक्स्ट सेगमेंट प्ले होगा कोई ऐसा रश नहीं है कोई कुछ नहीं है मतलब आपने अपना आंसर आराम से देना है आपको ये नहीं है कि जी मेरा टाइम खत्म हो गया तो शायद मैं उसके बाद मेरा आंसर नहीं हो सकेगा या मेरा डायलॉग नहीं चलेगा तो ये नहीं होगा मतलब आप अपना आराम से जवाब खत्म कर लेंगे सो देन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग विल बी प्लेड फॉर यू ओके और ये ऐसे ही प्ले की जाएगी बाय थर्ड पर्सन जो आपका एग्जाम ले रहा होगा तो वो ही करेगा ये सब रिकॉर्डिंग होके एनालिसिस के लिए या मार्किंग के लिए किसी और एग्जामिनर के पास जाएगा जो कि नॉटी उल्टी वाला होगा सो दिस इज हाउ वी नीड टू टेक नोट्स नोट्स टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इसकी हम क्लास में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे नंबर्स हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हाउस नंबर इस तरह के इन्फॉर्मेशन इस तरह के भी डायलॉग्स आएंगे हम प्रैक्टिस करेंगे उसके भी तो ये सब इम्पोर्टेंट है इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए सारी क्लास थी तो आप आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टैंड किस टाइप का टेस्ट होगा और How we have to answer. Vocabulary list I have in hard copy as well, but I mostly email the vocabulary list to the students so that they can prepare it. Okay, so this is all about the introduction of the dialogues, marking criteria, how we can answer, how we can take notes, क्या चीज important है क्या नहीं है ये सब मैंने आपको बताया so we'll practice in the class. Let's see all of you guys in the class.
So I'm thinking to say one more dialogue because we have some time. Okay. जैसे मैंने आपको बताया पहले डायलॉग्स के कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं. इमिग्रेशन एंड लीगल आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसपे पिछले कुछ अर्से से बहुत ज्यादा डायलॉग्स आ रहे हैं. जैसे कि वीजा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम इमिग्रेशन को कॉल करते हैं. वीजा रिजेक्ट हो गया तो इमिग्रेशन को कॉल करते हैं, क्या इश्यूज हैं. या आपने किसी भाई बहन या मदर का विजिटर वीजा अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हो गया, उसके लिए. बिजनेस इज इम्पोर्टेंट. एजुकेशन के मैंने मुझे ये कोर्स करना है या कोर्स चेंज करना है इससे रिलेटेड. या मैंने अपने किसी कजन के लिए कोर्स सजेस्ट, मुझे सजेशन चाहिए. तो इस टाइप के एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल, हेल्थ, हेल्थ की और लीगल की कुछ वोकैबुलरी हम डिस्कस कर लेते हैं. कौन कौन से वर्ड्स हैं जो लीगल और हेल्थ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. जैसे प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर के पास जाएंगे तो प्रेस्क्रिप्शन तो मिलेगी. दवाओं का पर्चा, दवाओं का पर्चा. एक्सरसाइज, वर्जिश करना. और कुछ डिजीजेस के नाम बताती हूँ, जैसे आर्थराइटिस, गांठिया, कोलरा, हैजा, इंफ्लेमेशन, मसल इंफ्लेमेशन, जैसे सूजन, इंफ्लेमेशन, सूजाना, मसल्स पट्ठे होते हैं, कार्टिलेज बोन, नरम हड्डी, बोन, हड्डी. और इस तरह की जो वोकैबुलरी है वो होगी रिलेटेड टू हेल्थ. और भी कुछ हैं बीमारियां. मुकम्मल थेरेपी, मुकम्मल इलाज, प्रॉपर थेरेपी, इसके प्रॉपर थेरेपी, मुकम्मल इलाज, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नफ्सियाती बीमारियों से रिलेटेड भी डायलॉग हो सकता है और दूसरी फिजिकल बीमारियों से भी रिलेटेड डायलॉग हो सकता है. सो सारी वोकैबुलरी हम प्रिपेयर रखेंगे. साइकोलॉजिकल का वर्ड नफ्सियात के लिए यूज होता है, मेंटली का वर्ड जहन के लिए यूज होता है, फिजिकल जिस्मानी के लिए यूज होता है. ओके. और कुछ वर्ड्स जैसे होते हैं ऑल्दो, हाउएवर, जिससे हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का, तो उनके वर्ड्स के मीनिंग भी हमें आने चाहिए. जैसे अगरचा, ऑल्दो अगरचा, हाउएवर ताहम या हालांकि, और इस तरह का वर्ड इवन, हत्ता के. सो इस तरह के वर्ड्स की भी वोकैबुलरी वी हैव टू लर्न. सजेशंस, तजावीज, रेकमेंडेशन, सिफारिशात. तो ये बड़े क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं उर्दू में ही व्हाइल वी आर स्पीकिंग. और हम इंग्लिश के वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं और हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि इनके क्या क्या मीनिंग है. तो हर असाइनमेंट में हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, सजेशंस, रिकमेंडेशंस. तो इनके प्रॉपर मीनिंग वी हैव टू लर्न. ओके, सजेशंस तजावीज एंड रिकमेंडेशंस सिफारिशात. और वर्ड्स फैक्ट्स एंड फिगर्स और शराइतो जवाबित, टर्म्स एंड कंडीशंस. टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी कॉमनली यूज वर्ड, उसका मतलब है शराइतो जवाबित. और फैक्ट्स एंड फिगर्स, अदादो शुमार. ये वोकैबुलरी है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. ओके. कोर सब्जेक्ट्स, जैसे अब मैंने बिजनेस एजुकेशन का जिक्र किया था, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे हमारे पास कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमने पढ़ने ही होते हैं, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं. तो कोर सब्जेक्ट्स बुनियादी मजामीन, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इख्तियारी मजामीन. इलेक्टिव मीन्स ऑप्शनल, जिनका इख्तियार है हम चेंज कर सकते हैं.
information, malumat, details, tafsilat. So, ये भी commonly used words हैं. Performance, कारकर्दगी, activities, सरगर्मियाँ, mental activities, ज़हनी सरगर्मियाँ. और सक्सेस, तरक्की करना. सो ये कुछ वोकैबुलरी है. जैसे जिन बीमारियों की वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या करवानी होती है बच्चों के लिए, वो बीमारियां हम मोस्टली हम करेंगे कवर, क्योंकि उनका ही ज्यादा जिक्र होगा डायलॉग्स में. क्योंकि यहाँ तो बाप अपने बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाता है, या उनको वैक्सीनेशन के लिए लेटर्स रिसीव होते हैं कि आपको ये वैक्सीनेशन है, इसकी हो गई या इसकी नहीं हुई. तो कुछ डिजीजेस उनके लिए हम, जो पाकिस्तान में भी मोस्ट कॉमन डिजीजेस और जिनका बड़ा, जिनके लिए स्पेसिफिक है कि उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, तो उन बीमारियों के हम नाम लर्न करेंगे और उनके मीनिंग भी. जैसे कि डिप्थेरिया, खन्नाक, एंड टेटनस, तशन्नुज, कोलरा, हैजा, आई ऑलरेडी मेंशनड. और इम्यूनाइजेशन, उनकी जैसे इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, उसको हफाजती टीके बोलते हैं. ठीक है, तो ये बीमारियों के नाम हैं. इसके अलावा कुछ और बीमारियां भी हैं जो कॉमन है बट देर इजी टू से. ओके, फैमिली मेंबर्स, खानदान के लोग या खानदान के अफराद. क्राइम, जुर्म, इंटरनेशनल, बैनुल अक्वामी या आलमी. इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स जैसे तारकीने वतन. ठीक है, तो हिजरत करने वाले होते हैं, जो मतलब जो हम पाकिस्तान से अगर यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो हम हिजरत करके आए हैं, तो हम इमिग्रेंट्स हैं और या हम तारकीने वतन है. ठीक है, बुलिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड भी आता है डायलॉग. ओके, जैसे आज के ही डायलॉग में आई मेंशन माइग्रेशन एक्ट, हिजरत का कानून या नकल मकानी के कानून के तहत या तारकीने वतन के कानून के तहत, तो ये हिजरत का कानून. सो आई टोल्ड यू के कुछ वर्ड्स हम इंग्लिश में जैसे इमिग्रेशन एक्ट यूज कर सकते हैं. डिपार्टमेंट्स के नेम, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट या कुछ इस तरह के, वी कैन डू दैट. इंडिविजुअल, इंफरादी, कलेक्टिव, इज्तमाई. ह्यूमिलेशन, तोहीन करना. ह्यूमिलेट, जिल्लत अमेज या तोहीन अमेज. कंडीशंस के, इस पे ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं, ये शराइत, ये शराइत लागू होती हैं. ओके, एपिलेप्सी एक और इंपॉर्टेंट डिजीज है, मिर्गी के दौड़ है जिससे मिर्गी, तो ये एपिलेप्सी मिर्गी है. और डिजीजेस कुछ जैसे, हाँ, मीजल्स, मॉप्स. मीजल्स होता है खसरा, मॉप्स कनपेड़े. ये हम डायलॉग के साथ और कुछ या इसकी जो वोकैबुलरी मिलेगी उसके साथ हो जाएगा. रिटेलिएट, जवाबी कार्रवाई. रिडिकुलस, मुजहिका फेज. ये बहुत ही बेहूदा का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुजहिका फेज मतलब ये तो बहुत ही जाहिर तोहीन अमेज है, या इस तरह की बात जो मतलब अनएक्सपेक्टेड बात कर दी जाए. ओके, लीगल से रिलेटेड कुछ है. इंटरम इंटरवेंशन ऑर्डर के मोस्टली जो इसमें आता है कि हस्बैंड वाइफ की सेपरेशन के बाद एक लीगल इंटरम इंटरवेंशन ऑर्डर मिलता है, जिसके तहत हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अलग रहते हैं जब तक के कानून कोर्ट में उनका केस नहीं चला जाता और उसके बाद उनका फैसला नहीं हो जाता. ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीगल इंटरम इंटरवेंशन ऑर्डर, कानूनी अबूरी मुदाखलत का हुक्म. इंटरम वो एक अबूरी
वो एक जो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें मियां बीवी को एक दूसरे से अलग रहना होता है जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, तो उस वक्फे को, उस दरमियानी मुद्दत को अबूरी कहते हैं, इंटरिम। इंटरवेंशन ऑर्डर, इंटरवेंट ऐसे ही होता है किसी में मुदाखलत करना, ठीक है, किसी के मामले में मुदाखलत करना, तो इंटरवेंशन ऑर्डर मुदाखलत का हुक्म। तो ये टर्म बहुत वेज में यूज होती है, सिर्फ इंटरिम ऑर्डर भी यूज होता है जैसे जिसका मतलब होगा अबूरी हुक्म, इंटरवेंशन ऑर्डर भी यूज होता है जिसका मतलब है मुदाखलत का हुक्म, और पूरा भी यूज हो सकता है लीगल इंटरिम इंटरवेंशन ऑर्डर, कानूनी अबूरी मुदाखलत का हुक्म। तो ये लीगल से रिलेटेड है वोकैबुलरी। इसके अलावा केयर, ख्याल करना, सिंपल। विक्टिम जो निशाना बनता है, मुतासरीन, विक्टिम जो मुतासिर होता है किसी भी वाक्य से। ओके, जैसे और इसके अलावा आई एम जस्ट कंसीडरिंग इंपॉर्टेंट वन, आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड, सर्जरी, सर्जरी इम्पोर्टेंट वर्ड, जराही, जराही ये उर्दू का वर्ड है सर्जरी, और सर्जन जो होता है उसको जराह बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड, मुनज्जम, कम्प्रिहेंसिव, ब्रीफ एंड कम्प्रिहेंसिव, ये काफी हमारे उर्दू एसेस में यूज होता था कि मुख्तसिर और जामे नोट लिखे, ठीक है, तो ब्रीफ मुख्तसिर, कम्प्रिहेंसिव जामे, जामे मतलब जो दलील के साथ जिसमें बात की जाती है तो वो जामे होता है, कम्प्रिहेंसिव। ओके, ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी टॉपिक आता है, जैसे टूरिस्ट वीजा लेना है तो फ्लाइट्स बुक करानी है, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है टूरिस्ट वीजे पे, कौन सी वोकैबुलरी यूज हो सकती है, कौन सी जगह, कौन सी लोकेशन बुक करनी है उससे रिलेटेड, और उससे रिलेटेड कि वहां पे क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये कन्वर्सेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जैसे डिस्काउंट बोला जाएगा वर्ड, कस्टमर होगा, कस्टमर होता है सारिक या गाहक, डिस्काउंट मतलब रियायत, तो ये वोकैबुलरी इनके लिए इम्पोर्टेंट है इस तरह के टॉपिक्स के लिए। इट वेरीज, इट डिपेंड्स कि कौन सी जगह वो जाना चाहते हैं, जैसे सिडनी, मेलबर्न मोस्टली कॉमन है, तो यहाँ पे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे लोग विजिट कर सकते हैं। स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टेक्युलर शानदार, अट्रैक्टिव, पुरकशिश। ओके, एंड ऑक्यूपेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, आपका पेशा क्या है, ठीक है, पेशा। और जो यहाँ पे यूज्ड वर्ड्स हैं, फुल टाइम जॉब, कॉमनली यूज वर्ड, फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, कैजुअल वर्क, कैजुअल जॉब्स, और कौन सी जॉब्स होती हैं, जॉब्स, ठीक है, तो इनके क्या मीनिंग्स होते हैं, फुल टाइम जॉब फुल वक्ती नौकरी, पार्ट टाइम जॉब जुज वक्ती नौकरी, तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स हमारे फिंगर टिप्स में होंगे, सो दैट जब भी आपका सेगमेंट आए जिसमें इस तरह के वर्ड्स यूज हों आपको सोचना ना पड़े, आप क्विकली बस जस्ट उसको बोल दें। कुल वक्ती नौकरी, फुल टाइम जॉब, जुज वक्ती नौकरी, पार्ट टाइम जॉब, कैजुअल वर्क, कभी कभी काम करना, और जॉब्स मुख्तलिफ तरह के काम करना, फाइनेंशियल हार्डशिप्स, हार्डशिप्स होता है मुश्किलात, फाइनेंशियल माली, माली मुश्किलात, डिपार्टमेंट महकमा, ऑर्गेनाइजेशन इदारा, दीज आर द वर्ड्स फॉर डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, निजी, निजी इदारा, और यानी जी मेरा अपना प्राइवेट बिजनेस है, मेरा निजी कारोबार है, प्राइवेट शॉप, मेरी निजी दुकान है, कॉन्टेक्ट, राबता करना। ओके, ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपको बताया इदारा,
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हुकूमती इदारा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर हुकूमती इदारा, ठीक है। सो ये सब वोकैबुलरी लिस्ट आई विल आल्सो प्रोवाइड यू एज वेल, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट कि आपको एक तो यू विल कम टू नो क्योंकि किस टाइप के वर्ड्स होंगे और थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी अच्छा मेरी राइटिंग भी। जॉब्स, मुलाजमतें या मुलाजमत जॉब, फाइनेंशियल, आई टोल्ड यू फाइनेंशियल माली, अभी फाइनेंशियल के साथ कोई भी वर्ड आएगा माली, हार्डशिप्स आएगा तो मुश्किलात, रिसोर्सेज आएगा तो वसाइल, सो ये इस तरह के वर्ड्स, हेल्प आएगा फाइनेंशियल हेल्प तो माली मदद, माली मुआवनत, गवर्नमेंट सपोर्ट, हुकूमत की तरफ से मदद या हुकूमती इमदाद या सरकारी अदायगियां या सरकारी इमदाद, इस तरह का। इमिग्रेशन और माइग्रेंट्स, तारकीन वतन, ओके सो आई होप कि काफी कुछ कवर कर दिया है मैंने आज के लेक्चर में। मेडिसन, दवाई, मेडिकेशन, अद्वियात, डिजीज, बीमारी, क्रोनिक डिजीज, मूजी बीमारी, खतरनाक बीमारी, फैटल डिजीज, मूजी बीमारी जिससे आपकी डेथ हो जाती है, मरने वाली बीमारी, ठीक है। और एनालिसिस, तज्जिया, एनालिटिक्स, तज्जिया निगार, इनकरेज करना, हौसला अफजाई करना, काउंसलिंग, काउंसलिंग का वर्ड यहाँ पर होता है, रहनुमाई करना किसी को मेंटली, आप उसको यू कैन टेल देम कि कौन कौन से वेज हैं जिंदगी गुजारने के, तो रहनुमाई करना। ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट्स, ऑस्ट्रेलवी रिहायशी, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स, ऑस्ट्रेलवी शहरी, ठीक है, ये टर्म्स भी कॉमनली यूज होती हैं। इंश्योरेंस, बीमा, रेसिस्ट, नस्ल प्रस्त, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, इंडिविजुअल, इनफरादी, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके, इंटरेस्ट, सूद, इंटरेस्ट रेट, शरा सूद, सूद की शरा, जो कितने रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको बोलते हैं शरा सूद, पर एनम मिल रहा है, एनुअली है तो सालाना, मंथली है तो माहाना, हर महीने, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस, शरायत जवाबित, और इसके पॉइंट जैसे परसेंटेज, परसेंटेज को फीसद बोलते हैं, 3.5% मतलब 3.5%, पॉइंट में इशारिया, 3.5%। शरा सूद, इंटरेस्ट रेट, आई टोल्ड यू सालाना, तो इस तरह अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो हर चीज इस तरह ट्रांसलेट इंटरप्रेट हो जाएगी उस हिसाब से, ठीक है। ऑप्शंस, हाउसिंग का जैसे मैंने आपको बताया था, किसी ने घर लेना है या किसी ने घर, प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी बाय करनी है, उससे रिलेटेड ऑप्शंस का वर्ड यूज हो सकता है कि उसे ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना है, क्या उसके लीगल प्रोसीजर है, तो इस तरह के वर्ड्स हमें लर्न करने हैं। ऑप्शन होता है नीलामी, बिडिंग होता है बोली देना, फाइनल बिल्ट, हतमी बोली देना, सो ऑल दीज आर वर्ड्स रिलेटेड टू हाउसिंग, प्रॉपर्टी, जायदाद, ओके, बाइस्ड एंड अनबाइस्ड, बाइस्ड जानिबदार, जो किसी की साइड लेके बात करे, ही इज बाइस्ड पर्सन, वो एक जानिबदार शख्स है, अनबाइस्ड गैर जानिबदार, तो ये दो वर्ड्स आल्सो इंक्लूडेड इन द वोकैबुलरी।
मॉडर्न जिद्दत पसंद मॉडर्निज्म जिद्दत पसंदी मॉडर्न कम्युनिटी तबका समाज ग्रोह फिरका बस्ती वट एवर वर्ड यू कैन यूज सबर्ब मैं सबर्ब में रहता हूँ सबर्ब अगर आपका नहीं बन रहा उसमें कॉन्टेक्स्ट में तो यू कैन यूज अ वर्ड सबर्ब बट इसका मतलब होता है मुजाफाती इलाके मुजाफात ठीक है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मुवासलात के जराए या जराए मुवासलात कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम मुवासलाती निज़ाम और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स होते हैं जराए तो मुवासलात के जराए या जराए मुवासलात डिस्काउंट रायत कस्टमर गाहक ट्रेडिशनल रवायती ओके सो फ्यू मोर कैंसल करना मनसूख कर देना मनसूख एक्सक्यूज बहाना उजर रिव्यू नजरसानी करना या एक दफा जैसे जिसको कहते हैं दोबारा चेक कर लो जरा रिव्यू करना नजरसानी करना एक्सीडेंट हादसा ऑफेंस जुर्म सिनेरियो मंजरनामा डिस्चार्ज कर देना खारिज कर देना इंस्टॉलेशन इंस्टॉल कराना नसब कराना ठीक है घर में जैसे कैबिनेट्स या अलमारियां नसब करानी है या स्विमिंग पूल नसब कराना है तो कुछ इस तरह की इंस्टॉलेशन कोई भी करानी है तो नसब कराना कंपनसेशन कंपनसेट करना हर्जाना ठीक है आपको इसका हर्जाना देना होगा या अजाला आपको इसका अजाला करना होगा इनवॉइस रसीद ऑफिशियल कंप्लेंट शिकायत ऑफिशियल सरकारी पॉसिबिलिटी इम्कान प्रूव करना साबित करना ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं सीधी बात करता हूँ सीधी बात साफ को मैं यहाँ साफ को हूँ ओके और एक्सरसाइज हो गया एक्सक्यूज डिसिप्लिन नज़्म व ज़ब्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवामी सफरी ज़राए अवामी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवामी सफरी ज़राए ओके तो ये तमाम डायलॉग्स की वोकैबुलरी है ये मैं स्टूडेंट्स को मोस्टली ईमेल कर देती हूँ सो दैट दे कैन लर्न इट और फिर मैं क्लास में सुनती हूँ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर सो फिनिश आवर क्लास हियर